डिफरेंशिएट करने के लिए एक्स का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कितना होगा? वन होगा. एक्स का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स मतलब स्मॉल चेंज इन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डीएक्स बाय डीएक्स बराबर वन हो जाएगा. एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स मतलब स्मॉल चेंज इन, अदनान तुम किसी और आईडी से आ रहे हो क्या? चलो स्मॉल चेंज इन एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू, जब स्मॉल चेंज इन एक्स करते हैं कितना हो जाएगा? टू एक्स हो जाएगा, है ना. अगर हम एक्स स्क्वायर को वाई मान लें तो बेसिकली मुझे स्मॉल चेंज इन एक्स स्क्वायर मतलब स्मॉल चेंज इन वाई ही निकालना है. बोलो, तो डी वाई बाई डी एक्स किसके बराबर हो जाएगा? टू एक्स के बराबर हो जाएगा. डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स कितना हो जाएगा? डी ऑफ साइन एक्स विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स मतलब डी वाई बाई डी एक्स वाई बराबर साइन एक्स मान लिया जाए, तो स्मॉल चेंज इन साइन एक्स मतलब स्मॉल चेंज इन वाई अपॉन डी एक्स कितना हो जाएगा? कॉस एक्स हो जाएगा. बोलो, और डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स कितना हो जाएगा? डीवाई बाई डी एक्स हो जाएगा. एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई कितना हो जाएगा? स्मॉल चेंज इन एक्स अपॉन स्मॉल चेंज इन वाई डी एक्स बाई डी वाई हो जाएगा. और वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई कितना हो जाएगा? टू वाई. बेसिकली डी ऑफ वाई स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू डी ऑफ वाई पूछा गया है, तो वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव टू वाई हो जाएगा. y स्क्वायर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x कितना हो जाएगा? 2y/dx. हां क्या 2y/dx? 2y/dy/dx. हां 2y/dx. 2y/dx बिल्कुल नहीं होगा. 2y/dy/dx. वेरी गुड. यही चीज समझनी है, वो 2y/dy/dx समझना भी है और याद भी रखना है. वो 2y/dy/dx होगा. y स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू x, वो 2y/dy/dx हो. देखो इधर कैसे, y स्क्वायर का डेरिवेटिव, y स्क्वायर को मान लेते हैं z, ठीक. बोलो, तो हमसे क्या पूछा गया है? हमसे पूछा गया है कि dy/dx कितना हो, यही तो पूछा गया है. y स्क्वायर का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x का क्या मतलब है? कि चेंज इन y स्क्वायर अपॉन x, यही तो पूछा गया है, जो कि किसके बराबर है? dz/dx के बराबर हो जाएगा. बताओ. यस सर. है ना, है ना, dz/dx के बराबर हो जाएगा. बोलो, है ना. यस सर. और dz/dx बराबर होगा dz/dy/dy/dx के बराबर होगा, ठीक. कौन सा रूल लगाया? चेन रूल लगाया. अब अगर z बराबर y स्क्वायर है तो dz/dy, y स्क्वायर का डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में कितना आया था? y स्क्वायर का डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में कितना आया था? 2y. तो अगर y स्क्वायर का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में निकालना है, मतलब मुझे dz/dy
y स्क्वायर का डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में इनटू dy बाय dz भी dx भी करना पड़ेगा। dy स्क्वायर बाय dy इनटू मुझे dy बाय dx भी करना पड़ेगा। d इस वाले फॉर्मूले से हमें क्या मालूम है, dy स्क्वायर बाय dy 2y के बराबर था, बोलो। Yes, sir. तो ये टर्म तो 2y के बराबर है, इनटू dy बाय ds हो जाएगा। dy स्क्वायर बाय dx बराबर होगा d बराबर होगा dy स्क्वायर बाय dy इनटू dy बाय dx, बोलो बोलो। यस सर, यस सर। मुझे एक एक्स्ट्रा टर्म dy बाय dx, जो नॉर्मल क्या डिफरेंशिएशन है वो तो होगा ही होगा, उसमें एक एक्स्ट्रा टर्म dy बाय dx और आ जाएगा। जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैं बोलूं sin x डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x कितना होगा, कितना होगा cos x हो जाएगा। तो d ऑफ sin x विथ रिस्पेक्ट टू dx cos x के बराबर होता है। sin x को अगर y मान लिया जाए, अगर y बराबर sin x मान लिया जाए तो d ऑफ sin x मतलब dy by dx, अगर y बराबर sin x तो dy by dx कितना आया था, cos x आया था, है ना, बोलो। यस सर, पहले भी हुई थी। अब अगर sin x डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y करना हो, जहां y कोई नया वेरिएबल हो, कोई भी और वेरिएबल हो, या विथ रिस्पेक्ट टू मान लो z करना हो, या कोई भी वेरिएबल हो, तो क्या ये d ऑफ sin x अपॉन dx इंटू dx बाय dz के बराबर नहीं होगा। बेसिकली मुझे क्या निकालना है, एक स्टेप एक्स्ट्रा कर दिया मैंने, मुझे d ऑफ sin x डिवाइड बाय dz निकालना है ना। जब मुझे sin x का डिफरेंशिएशन करना था x के रिस्पेक्ट में तो d ऑफ sin x अपॉन dx निकालना था ना। जब मुझे sin x का डिफरेंशिएशन करना है z के रिस्पेक्ट में तो मुझे d ऑफ sin x अपॉन dz निकालना है ना, बोलो बोलो। यस सर, यस सर। और ये किसके बराबर होगा, क्या ये बराबर d ऑफ sin x अपॉन dx इंटू dx बाई dz के नहीं हो जाएगा, क्या ये वाला टर्म इसके बराबर है या नहीं है? Yes. बिल्कुल है। yes, sir. dx से dx कैंसिल हो जाएगा, वही आ जाएगा। और d ऑफ sin x अपॉन dx किसके बराबर था, cos x, cos x बराबर था इंटू dx बाई dz। तो जब हम sin x का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं z के रिस्पेक्ट में तो sin x आउटसाइड इनसाइड रूट सबसे पहले क्या आया, sin x आया, sin x का cos x हो गया। उसके बाद क्या आया, x आया, x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू z dx by dz हो गया। समझ में आ रही बात, बोलो। एग्जाम्पल के लिए, अगर हम लोग y क्यूब डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y निकालें तो कितना आ जाएगा, 3y square है या नहीं। बेसिकली आउटसाइड इनसाइड रूल, y क्यूब का डेरिवेटिव करना है y के रिस्पेक्ट में तो सबसे पहले एक फंक्शन का क्यूब आया, कितना आ गया, 3y square। उसके बाद y का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू y 1 ही आ गया।
लेकिन अगर हमें y क्यूब का डेरिवेटिव करना होता x के रिस्पेक्ट में, dy क्यूब बाई dx कितना आता? पहले 3y square dy by dx आता। समझ में आ रही बात? Yes, sir. बोलो। तो जब हम किसी y वेरिएबल के किसी फंक्शन का x के साथ में डिफरेंशिएशन करेंगे, किसी और वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, तो बाद में या लास्ट में एक टर्म dy by dx बच जाएगा, नॉर्मल डिफरेंशिएशन ही होगा। जैसे हम लोग एग्जांपल करते हैं, x स्क्वायर प्लस x बराबर y क्यूब प्लस y स्क्वायर, ठीक। ये कौन सा एग्जांपल है, कौन से टाइप का फंक्शन है सर? इंप्लिसिट। इंप्लिसिट। और इस पूरे फंक्शन के लेफ्ट हैंड साइड को और राइट हैंड साइड को हमें डिफरेंशिएट करना हो, लेट अस से विद रिस्पेक्ट टू x, तो बेसिकली हमें x स्क्वायर प्लस x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x निकालना हो, कितना हो जाएगा? 2x plus 1 हो जाएगा। इसका डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में निकालना कोई दिक्कत की बात नहीं, और हमें राइट हैंड साइड में भी y क्यूब प्लस y स्क्वायर का डेरिवेटिव निकालना है विथ रिस्पेक्ट टू y निकालना हो तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन x निकालना है, क्या हो जाएगा? हो जाएगा d ऑफ y क्यूब प्लस y स्क्वायर अपॉन dy इनटू dy बाय ds में तो करना पड़ेगा, बोलो 3y स्क्वायर प्लस 2y इज इनटू dy बाय ds। 3y स्क्वायर प्लस 2y को मल्टीप्लाई कर देंगे dy बाय dx, ठीक है, बोलो। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट दोनों साइड में मैं डिफरेंशिएट कर दिया, क्या मिल गया? 2x plus 1 बराबर 3y square plus 2y dy by dx। बोलो, इससे हम लोग dy by dx की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, वो x और y दोनों के टर्म में आएगी। ठीक है, बोलिए। यस सर। अगला एग्जांपल, अगर साइन एक्स बराबर कॉस वाई हो और पूछा जाए डी वाई बाई डी एक्स कितना होगा, तो दोनों साइड में हम एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। फाइंड डी वाई बाई डी एक्स, हम दोनों साइड में एक्स के रिस्पेक्ट में कर देते हैं डिफ्रेंशिएट। तो लेफ्ट हैंड साइड को भी हमने x के रिस्पेक्ट में कर दिया डिफरेंशिएट और राइट हैंड साइड को भी हमने x के रिस्पेक्ट में कर दिया डिफरेंशिएट। हम किसी भी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में कर सकते हैं डिफरेंशिएट, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना? बोलो बोलो। यस सर। अब sin x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा x के रिस्पेक्ट में? cos x। में कोई दिक्कत नहीं होगी। और cos y का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा x के रिस्पेक्ट में? Y का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में dy/dx होगा, x डेरिवेटिव
विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वन होगा, वाई डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू वाई वन होगा, वाई डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डी वाई बाई डी एक्स होगा, एक्स डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू वाई डी एक्स बाई डी वाई होगा। ठीक है, पहले हमने किसको किया डिफ्रेंशिएट, कॉस वाई को, कॉस वाई का माइनस साइन वाई, फिर हमें किसका करना पड़ा डिफ्रेंशिएट, डिफ्रेंशिएशन वाई का एक्स के रिस्पेक्ट में, क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, मल्टीप्लाई करेंगे ना बोलो, क्योंकि वाई का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में डी वाई बाई डी एक्स होता है, यही तो डेरिवेटिव होता है, और साइन एक्स का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में कॉस एक्स ही हो गया। बोलो। यस सर। अगर हमें y बराबर साइन एक्स प्लस वाई का डेरिवेटिव करना है, फाइंड y डी वाई बाई डी एक्स, अब इससे डी वाई बाई डी एक्स निकल जाएगा ना, इससे क्या आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन वाई आ जाएगा, है ना, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स, अगर y बराबर साइन एक्स प्लस वाई है तो फाइंड डी वाई बाई डी एक्स, क्या करें दोनों साइड को एक्स के रिस्पेक्ट में कर दे डिफरेंशिएट। बोलो बोलो, दोनों साइड को एक्स के रिस्पेक्ट में कर दो डिफरेंशिएट, है या नहीं है, बोलिए, इधर भी कर दें एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट डी बाई डी एक्स, और इधर भी कर दें एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट डी बाई डी एक्स, वाई का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में कितना डी वाई बाई डी एक्स, साइन एक्स का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में कितना साइन का डेरिवेटिव कॉस एक्स प्लस वाई, अब जो अंदर है उसका डेरिवेटिव करना हम लोग नहीं भूल सकते, है कि नहीं है, बोलो, चेन रूल यही तो था, साइन का कॉस हो गया, अंदर जो था उसको छोड़ दिया, अब अंदर की बारी, आउटसाइड से इनसाइड, अंदर किसके रिस्पेक्ट में करना डिफरेंशिएट एक्स के टर्म में, तो डी वाई डी एक्स एक्स प्लस वाई का डेरिवेटिव कितना 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स, 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स, यहां से हम लोग चाहें तो डी वाई बाई डी एक्स को सिंप्लीफाई कर लें, क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, cos x plus y upon 1 minus cos x plus 1, cos x plus y अपॉन वन माइनस कॉस एक्स प्लस वाई आ जाएगा। बोलो। ठीक है, तो दैट वॉज अबाउट डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शंस, दैट वॉज अबाउट डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शंस, समझ में आ रही बात, बोलो, अब हम किसी भी फंक्शन को डिफरेंशिएट कर सकते हैं, नाउ वी कैन डिफरेंशिएट एनी फंक्शन वी वांट, ठीक है, बोलो।